जम्मू कश्मीर में माइग्रेटेड कश्मीरी पंडित की प्रॉपर्टीज को जो है वापस दिलाने की सरकार हर तरह की कोशिश कर रही है और कई सारे ऐसे कदम जो है वो ऑलरेडी उठा लिए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि अभी तक जम्मू कश्मीर की बात करें तो 610 कश्मीरी पंडित की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो कि कश्मीर से जो है अगर बिलोंग करते थे, तो उन्हें जो है उनकी प्रॉपर्टीज रिस्टोर करवा दी गई हैं। आपको बता दें कि ये जानकारी जो है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स नित्यानंद राय ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के दौर में 1980s और 1990s की अगर बात करें तो इस दौरान जिस तरह का माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था, जिसके बाद कश्मीरी पंडित को जो है माइग्रेट करना पड़ा था और अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उन्हें जो है छोड़कर वहां से मूव करना पड़ा था, और अब वो प्रॉपर्टी जो है रिस्टोर करने के लिए हर एक कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश में अभी तक 610 कश्मीरी पंडित फैमिलीज ऐसी रही हैं जिन्हें उनकी प्रॉपर्टीज जो है रिस्टोर ऑलरेडी करवा दी गई हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि 3000 स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो भी अभी तक कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो है दे दी गई हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज 2015, यानी कि 2015 प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत 3000 जो कश्मीरी पंडित रहे हैं इन्हें गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं ये भी मुहैया करवाई गई हैं, और जिसमें अभी तक का जो आउटले की अगर बात करें तो 1080 करोड़ रुपीज तक का आउटले जो है ये अभी तक सामने आया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि 1739 माइग्रेंट्स को जो है अभी तक अपॉइंट किया गया है, और वहीं पर 1098 माइग्रेंट्स जो हैं ये सिलेक्टेडली एडिशनल कैंडिडेट्स जो हैं जिन्हें इन्हें सिलेक्ट किया गया है अंडर प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट पैकेज 2015। इसी के साथ साथ उन्होंने राज्यसभा में ये भी जानकारी दी है कि जो भी जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1997 है उसी के तहत जितने भी कश्मीरी पंडित हैं इनकी अगर प्रॉपर्टीज का जो भी लेन देन जो है उस समय में हुआ था जब उन्हें माइग्रेट करना पड़ा था, और जो भी चीजें हैं वो भी जो जो भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, जितने भी डीएम्स हैं, उन्हें जो है ये एक तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी ये प्रॉपर्टीज कश्मीरी पंडित की अगर वापस नहीं अभी तक उन्हें मिली है तो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए हर एक तरह के कदम जो है वो उठाए जाएं, और जितनी जो भी ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें एक बार फिर कश्मीरी पंडित को जो है रिस्टोर बैक किया जा सके। इसी बीच उन्होंने ये भी बताया जो है जहाँ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स की अगर बात करें तो उन्होंने राज्यसभा में ये जानकारी भी दी है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जहाँ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की अगर बात करते हैं तो इन्हें रिहैबिलिटेट जो है किया जा सके, और इसके लिए 6000 ट्रांजिट अकोमोडेशन जो है वो भी कंस्ट्रक्ट की जा रही है कश्मीर वैली में, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 920 करोड़ रुपीज तक की जो है ये आने वाली है। तो यानी कि ये तमाम जो चीजें हैं ये कदम इस तरह से उठाए जा रहे हैं, और वहीं पर जो भी इम्प्लॉयड कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं ये एकोमोडेशन जो है उन्हें भी मिलने वाली है। तो यानी कि हर एक तरह से कोशिश यही थी कि जो भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उन्हें जो है एक बार फिर उनका हक जो है वो वापस दिलाया जा सके, जो भी इनकी प्रॉपर्टी थी जो इनसे एक तरह से हड़प ली गई थी वो इन्हें प्रॉपर्टी जो है वापस दिलाई जा सके, और उस पर हर तरह के कदम जो है सरकार उठा रही है। और अब जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं कि अभी तक कश्मीरी पंडित जो हैं जहां इनकी जो भी प्रॉपर्टी जो है वो उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के आ गए थे, अभी तक 610 ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें कश्मीरी पंडित फैमिलीज ऐसी रही हैं जिन्हें उनकी जो प्रॉपर्टी है वो रिस्टोर करवा दी गई है।